जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, लाडलो लाडली, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी मेडिकल को लेकर। काफी बच्चे चिंतित है कि सर एसएससी जीडी मेडिकल का कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, किस चीज में सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। देखो, जो जो चीजें अभी सामने आ रही है, जैसे जैसे बच्चे मेडिकल कराने जा रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे बच्चे, वो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा मेडिकल पॉइंट बच्चे बोल रहे हैं, जितने भी बच्चे बोल रहे हो कि सर सबसे ज्यादा जो मेडिकल पॉइंट दिया जा रहा है ना, सबसे ज्यादा तो वो मिल रहा सर आंख में। अब मैं ये बता दूं आपको कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि आंख में ज्यादा मेडिकल पॉइंट, ज्यादातर बच्चों को यही पॉइंट मिलता है आंख में। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट होता है, एक तो आंख का, एक कान का, एक जो आपके नोकनी होता है उसका, ये ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। और बच्चे भी यही बोल रहे हैं कि सर एक तो आंख का और एक नोकनी का। हाँ, कुछ बच्चों को टैटू में भी पॉइंट मिल रहा है, ध्यान रखना, जो आपने टैटू बना रखे हैं ना उसमें भी पॉइंट मिला, क्योंकि टैटू की जो गाइडलाइन ना आपने नोटिफिकेशन में पढ़ी नहीं है शायद। टैटू गाइडलाइन के अनुसार कि आपने कोई धार्मिक टैटू बना रखा है, जैसे कोई जो आपसे धर्म के से रिलेटेड हो, जिसको मतलब आपके धर्म में लोग बनाते हैं, उसके लिए अलाउ किया गया था। और यहाँ हाथ से नीचे कोई नाम वाम है तो उसका कोई हल्का फुल्का पॉइंट है तो वो टूट जा रहा है, लेकिन किसी ने ज्यादा ही टैटू बना लिया है तो उसको भी पॉइंट दिया जा रहा है। नोकनी का जो पॉइंट है, आप सभी को पता है कि नोकनी का जो पॉइंट है वो दोनों घुटने जिसके भी मेच खाते हो, यानी अगर आप जिस प्रकार से आपको खड़ा किया, दोनों पैरों को इस प्रकार से क्लोज करा के फिर भी आपके घुटने टच हो रहे हैं तो वो नोकनी है। तो नोकनी का पॉइंट अब मैं बता दूं, काफी बच्चों में होती है ये परेशानी, तो इससे कैसे बचे। देखो, नोकनी वाला जो पॉइंट है ना, इससे तो बचना मुश्किल है, क्योंकि आपके है तो है, इससे बचना भी बहुत मुश्किल है, रिमेडियल में इसको क्लियर करवाना भी बहुत मुश्किल है। और अभी बच्चों ने यह भी बताया कि सर 24 में से केवल एक बच्चे को फिट किया, 24 को मेडिकल पॉइंट दिए गए हैं, और आखिर तक भी इन बच्चों में से केवल 4 बच्चों को फिट किया गया है आखिर तक। ठीक है, आखिर तक भी 4 बच्चों को फिट किया गया है बस, बाकी को नहीं। 25 में से रेशियो देख लीजिए, यानी 25 में से केवल 5 फिट, तो मेडिकल में पॉइंट काफी मिल रहे हैं। आपको सावधानी कौन कौन सी बरतनी है, ये इस बात को आप ध्यान से रखिए। एक तो जो आंख की है, साफ सफाई करा के जाना आप, ठीक है। वहां बहुत सारे बच्चे 6x6 भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक मैंने ग्रुप में फोटो भी डाली थी कि वहां पर 6x6 का जो हुआ है उसको कई बच्चे बोले सर इसको याद कर लेंगे, अगर याद कर लो कि उसको घुमा दिया तो, लेकिन हाँ अपनी सेफ्टी के लिए आपको पता है कि आप कर सकते हो तो कर लो हल्का फुल्का याद भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहां पर आपने पढ़ दिया, आपने इतनी चालाक किया कि आपने याद कर लिया और पढ़ दिया और आपका काम बन जाए तो बना भी सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक फोटो भी मैंने ग्रुप में डाली है उसकी, ठीक है, आई टेस्ट की। एक तो ये आंखों की साफ सफाई कराइए, कान की साफ सफाई करा के जाइए पहले, ठीक है। कान नाक की बढ़िया साफ सफाई करा लीजिए, नाक में जो डीएनएस वाला पॉइंट है, जिन बच्चों को मैं पहले से बता रहा हूं, ये भी क्लियर करवा लेना डीएनएस वाला, ठीक है। इस पे भी काफी पॉइंट मिला है। टीथ का ज्यादा कम पॉइंट मिल रहा है, जानना, अगर किसी बच्चे के टीथ खराब भी है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, आप साफ करा सकते हो तो करा लो, बाकी टीथ का जो पॉइंट मिल भी रहा है तो क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। पाइल्स और बवासीर का अगर पॉइंट है तो वो क्लियर नहीं हो रहा, ध्यान रखना, अगर आपके पाइल्स या बवासीर है तो वो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, इसका भी विशेष ध्यान रखना। नोकनी अगर आपके है तो उसमें आप कोई चालाकी करके बच जाओ तो बच जाओ, बाकी और कोई संदेह नहीं है। नोकनी के पॉइंट में सीधा आउट कर रहे हैं बच्चों को, रिमेडिकल में तो डायरेक्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। और उसी दिन रिमेडिकल हो रहा है, ये अगले दिन रिमेडिकल हो रहा है, तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखना, ठीक है। सीबीएसई एक्सरे हो रहा है, सीबीएसई जांच हो रही है, इनमें भी काफी बच्चे फंस रहे हैं। यूरिन टेस्ट देते समय ध्यान रखिए, पहले कुछ यूरिन नीचे गिरने दीजिए, उसके बाद में आप अगला यूरिन डालिए। पानी की मात्रा बराबर रखिए, शरीर में पानी पीते रहना, खाना भले आप भले खाओ या नहीं खाओ लेकिन पानी बराबर पीते रहना, ताकि आपकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो नॉर्मल आए, ठीक है। वैसे जांच वाले में कोई ज्यादा पॉइंट नहीं मिल रहा है अभी तक बच्चों को, हाँ एक कहीं होगी हीमोग्लोबिन ही ज्यादा कम है, उसका जरूर पॉइंट मिल रहा है लड़कियों में, बाकी नहीं मिल रहे हैं लाडो, ठीक है। सावधानी रखने वाली बात है, पूरी साफ सफाई करवा के जाए शरीर की, और कान नाक आंख इनको साफ कर लीजिए, डॉक्टर से दवाई लेके डाल के बढ़िया से साफ कर लीजिए या साफ करवा लीजिए। नाखून नाखून पूरे कटे हुए होने चाहिए, हर प्रकार से बिल्कुल स्वस्थ तरीके से वहां पर जाना है, घबराना नहीं है। ईसीजी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना लाडो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।